फ्रेंड आ गई है और हम आ चुके हैं सरोजनी है। मार्केट और इतना वेट कराया है इसने बस क्या ही बताओ तो चलो बस चलते हैं मार्केट में और देखते हैं क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है तो आपको करना है गेट नंबर टू से एग्जिट सरोजनी मार्केट में आने के लिए और जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो आपको एक रास्ता देखने को मिल जाएगा स्ट्रेट आपको आना है तो सामने ही आपको मेन मार्केट देखने को मिल जाएगी इतने सारे रश को देख के आप उनके पीछे पीछे चलते रहना तो आपको मार्केट देखने को मिल जाएगी और अगर आप घर से कुछ खाकर नहीं आए हो तो आपको खाने के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा छोले भटूरे छोले कुल्छे गोल गप्पे ये सब खाने को आपको मिल जाएगा ठीक तो ये है सरोजनी नगर का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर वन और यहाँ से आपको एंट्री करनी है जब आप अपने घर जाओगे ना तो यहाँ से एंट्री करनी है अब ये है सरोजनी नगर मार्केट का गेट नंबर थ्री बट यहाँ पर इतना ज्यादा रश था कि हमें वहाँ से एंट्री मिली ही नहीं तो हम थोड़े आगे बढ़े तो आगे आपको एक गेट देखने को और मिल जाएगा तो जब आप इस रोड पे चल रहे होंगे तो यहाँ पर भी आपको खाने पीने के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे तो देखो यहाँ से करनी है एंट्री और ये है गेट नंबर टू ए तो यहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे आईसीआईसी बैंक आपको देखने को मिल जाएगा तो ये यहाँ का कलेक्शन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको जीन्स शर्ट और किड्स का कलेक्शन भी देखने को मिल जाता है ये एटीएम था तो सबसे पहले आप इसी रोड पे स्ट्रेट आते रहोगे ना जो मैंने आपको दिखाया आई सी आई सी ए टी एम वाला उसके सीधे सीधे आते रहोगे तो यहाँ पर आपको टू फिफ्टी रुपीज में ड्रेसेस देखने को मिल जाएगी और ये वर्सिटी जैकेट और ये इस जैकेट का कलेक्शन तो पूरी मार्केट में देखने को मिलेगा और शूज़ भी मिल जाएंगे बॉयज़ का आप देख सकते हो शॉप नंबर वन थ्री है ये यहाँ पर शूज वगैरह भी देखने को आपको मिल जाएंगे और टू फिफ्टी रुपीज़ में स्लीपर्स और हील्स भी देखने को मिल जाएगी बैग लेना चाहते हो तो बैग भी ले सकती हो आप सरोजनी मार्केट में आपको सभी आइटम देखने को मिल जाती है किड्स से लेकर मैन और वीमेन का सारा का सारा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा पहले मार्केट में गर्ल्स कलेक्शन ज़्यादा होता था लेकिन अब बॉयज़ का कलेक्शन भी ऑलमोस्ट आने ही लगा है सब कुछ आपको मिल जाएगा बॉयज़ का जैकेट हो आ, कार्गो हो कुछ भी अब यह है शॉप नंबर नाइन्टी टू जो कि सबसे बेस्ट शॉप लगती है मुझे क्योंकि इनके पास काफ़ी अफोर्डेबल कलेक्शन होता है ओनली एक सौ में आपको कोट मिल जाएगा एक सौ में कोट आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा लेकिन इसमें शॉप में आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्रेश होता है क्योंकि शॉप का कलेक्शन एकदम फ्रेश होता है और ये देखो ये स्वेट आपको मिल जाएगी गर्ल्स की ओनली टू फिफ्टी में सेम स्वेट शर्ट मैंने ऑनलाइन देखी थी जिसका प्राइस 500 के अराउंड था तो आप यहां से टू फिफ्टी में ले सकते हो ये हुडी देखो ये भी ओनली टू फिफ्टी रुपीज़ में हुडी है काफ़ी बढ़िया है क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और कलर तो आप देख सकते हो कितने हाईलाइट है और ये प्लेन हुडी चाहिए बिना स्टिकर की तो ये भी आपको मिलेगी ढाई सौ रुपये में तो एक बार आप शॉप नंबर नाइन्टी टू जरूर विजिट करना और ये भैया ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं देते आपको शॉप में ही विजिट करना पड़ेगा और ये देखो आपको डेढ़ सौ में शॉर्ट कट मिल जाएंगे जैसे आपको ऑफिस के लिए चाहिए या नॉर्मल भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे वर्सिटी जैकेट मिल जाएगी ढाई सौ में तो इनके पास काफ़ी मतलब जो कलेक्शन स्टार्ट होता है वो वन फिफ्टी से स्टार्ट हो जाता है और जाता है थ्री फिफ्टी तक मैक्सिमम इनका प्राइस जाता है तो ये देखो दो दो सौ पचास रुपये में आपको ये सारी की सारी हुडी देखने को मिलेगी ढाई सौ रुपये में इन्होंने स्टिकर लगा रखे बहुत बड़े बड़े आप देख सकते हो टू नाइन्टी रुपीज़ की वाली वाइन वाली हुडी देखो कितनी प्यारी लग रही है और वर्सिटी जैकेट आपको शॉप से बाहर मतलब बाहर और शॉप पे लोगे तो वो आपको फाइव हंड्रेड रुपीज़ तक की देंगे लेकिन यहाँ पर वर्सिटी ओनली ढाई सौ रुपये में आपको देखने को मिल रही है तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है भैया के पास और विंटर कलेक्शन सारा का सारा न्यू स्टॉक लेकर आया है सारा पहले सारा समर कलेक्शन था लेकिन अब समर कलेक्शन एकदम आउट हो गया और सारा का सारा आ चुका है विंटर कलेक्शन और ये देखो नीचे भी कितने सारे कोट पड़े हैं एक सौ नब्बे रुपये इन सभी कोट का प्राइस है ये देखो एक सौ नब्बे रुपये में आपको पूरे ट्रांस कोट और लॉन्ग कोट कहते हैं ना इन्हें वो मिल जाएगा आपको और अब ठंड आ गई है तो लोग बाहर घूमने भी जाते हैं आउटिंग के लिए तो आप उसके लिए भी ले सकते हो सामने रेड वाला कोट देखो कितना प्यारा लग रहा है ओनली एक सौ नब्बे रुपये में और आपको एक बीच में छोटी सी बेल्ट भी मिलेगी बांधने के लिए जिससे लुक और काफ़ी अच्छा आता है वो ब्लैक वाला देखो कितना एकदम फ्रेश और एकदम सही और यहाँ पर इतनी सारी गर्ल्स बाय कर रही थी ओनली एक सौ में और आप इन्हें वियर करके बिल्कुल मतलब अच्छे से चेक करके ले सकते हो ये नहीं कि आप ट्राई नहीं कर सकते हो ट्राई भी कर सकते हो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो ये देखो यहाँ पर इतनी सारी गर्ल्स थी इन्होंने ये वाला कोट ले ही लिया था एक सौ का था मतलब उन्हें भी विश्वास सा नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा कोट एक सौ में तो यहाँ पर इन गर्ल्स ने बाय भी कर लिया था ठीक है तो इस सारा का सारा कलेक्शन है शॉप नंबर नाइन्टी का आप एक बार ज़रूर विज़िट करना और देखते हैं बाहर क्या कलेक्शन देखने को मिलता है तो अब हम आ चुके हैं जस्ट लेडी वाली लेन में और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में हील्स कलेक्शन देखने को मिल जाएगा जिनका प्राइस ढाई सौ रुपये से शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट हील्स का प्राइस ढाई सौ रुपये ही होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बैग्स कलेक्शन मिल जाएगा बैग्स का प्राइस थ्री फिफ्टी रुपीज़ है ये देखो आप देख सकते हो सेल प्राइस थ्री फिफ्टी रुपीज़ कोई सा भी बैग ले लो सारे के सारा सेम प्राइस होगा और उनमें बारगेनिंग नहीं होती और ये देखो यहाँ पर आपको हंड्रेड रुपीज़ में सॉफ्ट टॉयज़ मिल जाएंगे इसमें बहुत सारे टॉयज है अगर आपको गिफ्टिंग करना है ना किसी को सॉफ्ट टॉयज तो बहुत बढ़िया और अगर अपने घर में रखने के लिए चाहिए तो भी आप ले सकते हो इसमें आपको सारे कार्टून और सारे एनिमीज देखने को मिल जाएंगे स्माइली भी आपको जितने इमोजी होते हैं ना सारे इमोजी देखने को मिल जाएंगे रैबिट कछुआ वगैरह सब मिल जाएगा ओनली सौ रुपए में मिलेगा आपको और जो ये ऊपर वाले टेडी बेयर है ना जो बड़े बड़े हैं उनका प्राइस अलग है स्टार्टिंग प्राइस उनका फाइव हंड्रेड रुपीज़ से हो जाता है लेकिन मैक्सिमम प्राइस वन थाउजेंड प्लस चला जा जाता है और अब मैं आ चुकी हूँ किन्स और जस्ट लेडी आप देख सकते हो यहाँ पर मदर डेरी भी है तो यहाँ का कलेक्शन देखते हैं इनके भैया के पास आपको हमेशा वुमेन के कोट सेट देखने को मिल जाएंगे मतलब ऊपर का कुर्ती और नीचे बॉटम देखने को मिल जाएगा थ्री हंड्रेड और थ्री फिफ्टी रुपीज़ इनका प्राइस होता है और ये भैया हमेशा यहीं लगाते हैं और स्कीस के जस्ट साइड में आपको ये भैया भी हमेशा यहीं मिलेंगे जिनके पास कोट का कलेक्शन होता है सारा का सारा ये देखो सारा कोट का कलेक्शन मिल जाएगा प्राइस भैया लोग फाइव 550, 650 बताते हैं बट आप बार्गेनिंग करके 300 या 350 फिफ्टी में आराम से ले सकते हो तो बार्गेनिंग जरूर करना जहाँ पर टैग प्राइस लगा होता है वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं चलेगी लेकिन जहाँ पर प्राइस सेल नहीं लगा होता वहाँ पर आप आराम से बार्गेनिंग कर सकते हो और ये गर्ल्स की ऐसे वाली ड्रेस आपको बहुत सारी मिल जाएगी अंदर वाइट इनर मिल जाएगा ऊपर से ब्लैक कलर की पूरी लॉन्ग ड्रेस स्कर्ट वगैरह भी मिल जाएगी स्कर्ट का प्राइस टू फिफ्टी रुपीज़ थ्री फिफ्टी रुपीज़ भैया लोग बताते हैं बट बार्गेनिंग करके आप टू फिफ्टी और टू हंड्रेड तक ले सकते हो टू फिफ्टी रुपीज़ में बॉयज़ की स्वेट शर्ट देखने को मिल जाएगी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे बॉयज़ की स्वेट शर्ट ओनली ढाई सौ रुपये में और यही वाली आप अगर शॉप में लेने जाओगे ना तो फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ की वो बताएंगे और रश आप देख सकते हो अभी विंटर विंटर आ गई है तो इसलिए विंटर कलेक्शन के लिए पूरे सेवन डेज ऐसा ही रश आपको देखने को मिलेगा मैं भी वीक डेज पर गई थी लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रश था बहुत ज़्यादा और यहाँ पर ये भैया हमेशा समर ड्रेसेस लेकर आते हैं बीच वाली ड्रेसेस तो आप इनसे ड्रेसेस भी बाय कर सकते हो अगर आपको समर के लिए कुछ चाहिए और समर कलेक्शन अभी मार्केट से पूरी तरीके से आउट नहीं हुआ है चाहे एथनिक की बात करें वेस्टर्न की बात करें दोनों ही आपको मिल जाएगा अभी भी मार्केट में और देखते आगे क्या क्या देखने को मिलता है तो ये वाली जैकेट आपको सरोजरी में बहुत सारी देखने को मिलेगी ट्रांस कोट लॉन्ग कोट और जैकेट का कलेक्शन बहुत सारा और ये भी शॉप नंबर बहुत फेमस है इन इन भाई के पास भी आपको सारी वर्सिटी स्टीकर वाली जैकेट मिल जाएगी प्राइस फाइव फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ है और ये भैया ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते और इनके पास देखो कोट वगैरह मिल जाएंगे कोट वग़ैरह का प्राइस सिक्स फिफ्टी सेवन हंड्रेड रुपीज़ और अब मैंने आपको बार बार बता रही हूँ की बारगेनिंग जरूर से कर लेना और समर के लिए भी आपको ड्रेसेस मिल जाएगी डेनिम जैकेट लेना चाहते हो तो थ्री फिफ्टी रुपीज़ में आप डेनिम जैकेट ले सकते हो और टू हंड्रेड रुपीज़ में भी ले सकते हो अगर आपकी बारगेनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है फोर हंड्रेड रुपीज़ में आपको ये वाली शर्ट मिल जाएगी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडी है लेकिन फोर हंड्रेड रुपीज़ मुझे इनका प्राइस थोड़ा सा हाई लगा अभी विंटर कलेक्शन जस्ट आया है ना इसलिए इन्होंने प्राइस इतने हाई कर रखे हैं बीच में इनके प्राइस थोड़े डाउन हो जाएंगे चार सौ रुपये की शर्ट मुझे इतनी वो नहीं लगी बट हाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी फैब्रिक बहुत थिक फैब्रिक था और ये देखो यहाँ पर आपको बॉयज़ की श्स शर्ट भी देखने को मिल जाएगी जैसे मैंने अभी गर्ल्स वाली दिखाई ना तो वो भी आपको बॉयज़ की देखने को मिल जाएगी और ये है बिक्सी वाली लेन और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और ये देखो गर्ल्स के स्वेटर बॉयज़ की हुडी इन सभी का प्राइस सेम 500 600 और ये है जस्ट एक्स एक्सपोर्ट लेन नहीं बिक्सी वाली लेन के राइट हैंड साइड में मंदिर है तो वहाँ पर आपको कोट सेट देखने को मिल जाएगा और लॉन्ग कोट देखने को मिल जाएंगे कोट सेट का प्राइस 500 और फोर हंड्रेड होता है और सामने देखो कितनी भीड़ हो रही है ना और यहाँ पर आपको वर्सिटी जैकेट और लॉन्ग कोट ये सब तो देखने को मिल ही जाएगा मार्केट में और जहाँ पर भी आपको कलेक्शन अच्छा लगे आप वहीं से बाय करना जरूरी नहीं है आप सेम एग्जैक्ट लोकेशन पर ही जाओ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पर जाते हैं लेकिन वहाँ का कलेक्शन अच्छा नहीं रहता इसलिए पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करो देन आपको जो भी अच्छा लगे आप बाय कर सकते हो ये वाली कार्गो जीन्स आपको सिक्स में देखने को मिल जाएगी जीन्स में ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होती तो आप इतने में ले सकते हो क्योंकि इतना ही प्राइस इनका चल रहा होता है मार्केट में हंड्रेड रुपीज़ के गॉगल्स देखने को मिल जाएंगे सबसे अच्छा कलेक्शन मुझे सरोजगी में गॉगल्स का ही लगता है कि आप कोई सा भी ले लो चाहे छोटा ले लो बड़ा सा ले लो ट्रेंडी ले लो पुराना सा ले लो सब सौ रुपये के आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और अगर आपको टैटू कराना है तो आप टैटू भी करा सकते हो यहाँ पर बहुत सारे भैया घूम रहे होते हैं बॉयज़ की हुड्डी आपको मिल जाएगी सिक्स में कुछ कुछ का प्राइस वन भी होता है तो लेकिन स्टार्टिंग प्राइस मैं आपको बता देती हूँ फाइव फिफ्टी और सिक्स फिफ्टी रुपीज़ से बॉयज़ की हुडी का प्राइस स्टार्ट हो जाता है तो बस अब हम घर आ रहे थे और ये देखो ये मार्केट में जाने की लाइन लगी हुई है ये कुछ और लाइन नहीं है ये मार्केट के अंदर एंट्री करने की लाइन लगी है मतलब हम लोग आ रहे थे और ये लोग जा रहे थे पता नहीं इतना समय में क्यों आते हैं तो इसलिए अगर आपको अच्छे से शॉपिंग करनी है तो आप मॉर्निंग में ही आ जाओ चाहे संडे को आना चाहते हो तब भी मॉर्निंग में आ जाओ वीक डेज पर आना चाहते हो तब भी मॉर्निंग में 11 बजे आप एंट्री कर लेना आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा और फिर मैंने देखा कि लाइन तो मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने की भी लग रही है ये देखो पूरी लाइन लग रही थी तो इसलिए आप अपने साथ कार्ड वगैरह लेकर आना वरना टोकन वाली लाइन में ही फंसे रह जाओगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी वीडियो आने वाली है बाय टाटा